ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की पड़ताल। भोजपुर में दिनदहाड़े महिला से लूट, अपने आप को पुलिस बताकर लूटे कंगन और अंगूठी, इस वक्त की बड़ी खबर है। आरा के नगर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां बेखौफ लुटेरों के शिकार एक महिला बनी है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि उक्त महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, इसी दौरान दो की संख्या में लूट रहे लुटेरों ने वी मार्ट के समीप रिक्शा रुकवाकर महिला के कंगन और अंगूठी लूट लिया। पीड़ित महिला ने बताया कि पहले लुटेरों द्वारा रिक्शा को रुकवाया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि एसपी के आदेश पर पुलिस विभागीय सर्वे कर रही है, जिसे कोई भी महिला जेवर पहनकर जा रही है उन्हें जेवर उतरवा कर उनके बैग में रखवा दिया जाए। जैसे महिला अपने कंगन और अंगूठी उतार कर बैग में रख ही रही थी कि लुटेरे अपने हाथ से कंगन और अंगूठी लूट कर भाग निकले। फिलहाल महिला नगर थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। चलिए स्कूल में बात कर लीजिएगा, तो बोले कि हम लोग को यहीं पर ड्यूटी मिली हुई है, आप लोग घबराइए नहीं, आप ही लोग कोऑपरेट नहीं कीजिएगा तो फिर तो थोड़ी बड़ेगी ना यहाँ पे। फिर क्या क्या छीने आपसे? कुछ नहीं, वो बोले कि पहले उतारिए फौरन, तो हम बोले बैग लेके नहीं आए, उतारे हम और हम आगे चले जाते हैं, आकर करते हैं तो वहीं पर एक पेपर दिए, बोले कि इसमें डाली उतार करके, और जैसे ही हम लोग उतारा बस बोले करके नाम बताया, दो बालों और एक अंगूठी, दो बाला वाले वो मोबाइल भी मांग रहे थे तो मोबाइल ने पॉकेट में डाल दिया था। आपके पर्चे? बाबू स्कूल गए हैं। क्या नाम है आपका? उर्फीजा रहमान। कहाँ? घर का हूँ, पिताड़ी मोहल्ला जेल रोड। क्या घटना हुआ आपके साथ? सुबह में ना बाबू को स्कूल लेके जा रहे थे जी, स्कूल में ही बस वहाँ पर वो जो ग्रैंड होटल है ना, उससे दो कदम पहले दो आदमी आके रिक्शा वाले को रिक्शा रोकते हैं, रोक के रिक्शा वाले को डांटते हैं कि कब से आवाज़ दे रहे, कान में आवाज़ नहीं जा रही है। रिक्शा वाले बेचारे बोले कि हम तो बह रहे हैं, कान में आवाज़ नहीं जाती है उतने, वो रोक करके बोले कि आप लोग को पता है कि कल वो पूनम देवी नाम की कोई प्राइवेट टीचर है, उनका सोलह जन कल छिनतौड़ी हुआ है, तो हम लोग को डीएम और एसपी से ऑर्डर आया है कि आने जाने हर आने जाने वाले लोग का सर्वे करना है। उसके बीच में एक और आदमी आया, वो बोला कि हाँ ठीक है देखिए हम भी चेन पहने हुए हैं, उसको उठा के बैग में डाल देते हैं, और कल भी बोला कहता है कि आप अपना मोबाइल और जो भी देवर है सब उठा करके बैग में डालिए, देखिए हमको स्कूल जाना है, टाइम हो गया है, बॉक्सिंग में हम आगे बात कर लेते, तो थोड़ा डांटने लगा। जो अपराधी आए थे वो क्या मतलब क्या बोले थे? वो बोले कि वो लोग पैदल से बाइक पीछे रखे हुए थे। कौन सा बाइक? सिविल यूनिफॉर्म है, तो बोले कि हम लोग एसपी और पुलिस के आदमी हैं, हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग को एसपी और डीएसपी के यहाँ से ऑर्डर आया है कि सिविल यूनिफॉर्म में सर्वे करना है, और जबरदस्ती वो हाथ से उतर। चलिए स्कूल में बात कर लीजिएगा, तो बोले कि हम लोग को यहीं पर ड्यूटी मिली हुई है, आप लोग घबराइए नहीं, आप ही लोग कोऑपरेट नहीं कीजिएगा तो फिर तो थोड़ी बड़ेगी ना यहाँ पे। फिर क्या क्या छीने आपसे? कुछ नहीं, वो बोले कि पहले उतारिए फौरन, तो हम बोले कि बैग लेके हम नहीं आए, उतारे हम और हम आगे चले जाते हैं, आकर करते हैं तो वहीं पर एक पेपर दिए, बोले कि इसमें डाली उतार करके, और जैसे ही हम लोग उतारा बस बोले करके नाम बताया, दो बालों और एक अंगूठी, दो बाला वाले वो मोबाइल भी मांग रहे थे तो मोबाइल ने पॉकेट में डाल दिया था। आपके पर्चे? बाबू स्कूल गए हैं। क्या नाम है आपका? उर्फीजा रहमान। कहाँ? घर का पिताड़ी मोहल्ला जेल रोड। क्या घटना हुआ आपके साथ?